यस सरकार, नेक्स्ट पॉइंट, अगला टॉपिक चैप्टर नंबर 14, रिफंड्स अंडर जीएसटी, दिल थाम के बैठिएगा। सरकार किन किन केस में रिफंड मिलता है? सबसे पहली बात सर, अगर आपने जीरो रिटर्न सप्लाई किया है और उस पर अगर आईजीएसटी पे किया तो उसका रिफंड मिलता है। अच्छा, ध्यान देना, एक एक टॉपिक को हम आगे डिटेल में और बात कर लेंगे, पहले ध्यान सुनिए किन किन केस में रिफंड मिलता है। सेकंड, अगर आपने जीरो रिटर्न सप्लाई के केस में, अच्छा जीरो रिटर्न सप्लाई में दो सप्लाई आते हैं, एक तो आपने एक्सपोर्ट किया या आपने एसईजेड यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, भले गुड्स किया या सर्विसेज सप्लाई किया। ओके, अगर आपने जीरो रिटर्न सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया अंडर द कवर ऑफ एलयूटी या बॉन्ड, तो सर ऐसे केस में उसमें काम आने वाले इनपुट और इनपुट सर्विस का भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बात करेंगे बाद में। ओके, देन डिम्ड एक्सपोर्ट अगर आपने किया तो ऐसे केस में रिफंड मिलता है जो भी सप्लाई पे टैक्स पे किया। देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर एक्स्ट्रा बैलेंस है, यू कैन क्लेम द रिफंड, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर आपने कोई इनवर्ट, अगर आपने किसी आउटवर्ड सप्लाई पे गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया जबकि क्या पे करना था आईजीएसटी, तो यू कैन क्लेम रिफंड ऑफ सी और एस, बट यू विल हैव टू पे द आईजीएसटी एंड वाइस वर्सा आल्सो बेटा। अच्छा, आपने कभी एडवांस रिसीव हुआ था और आपने रिसीट वाउचर इशू किया, बाद में किसी वजह से रिफंड दिया, तो रिफंड वाउचर इशू करेंगे और उसके बेस पे आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। देन अगर आपने फॉरेन टूरिस्ट को गुड्स सप्लाई किया, तो फॉरेन टूरिस्ट जब गुड्स इंडिया से बाहर लेके जाएगा तो ही कैन क्लेम द रिफंड एट द एयरपोर्ट या पोर्ट। ओके सर, किसी केस में अगर आप जीत गए और जजमेंट आपके फेवर में आया कि टैक्स का रिफंड इनको मिलना चाहिए, तो वहाँ रिफंड मिलता है। देन अगर कभी प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था आपकी गुड्स या सर्विस का और फाइनल असेसमेंट कम अमाउंट में हुआ, तो डिफरेंस अमाउंट जो आपने पे किया प्रोविजनल बेस पे उसका आपको रिफंड मिलता है। देन यूएन बॉडीज ने जो इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया उसका उनको रिफंड क्लेम होता है। तो दीज आर दी केसेस जहाँ पे रिफंड क्लेम होता है। अच्छा, रिफंड कितने टाइम अप्लाई करना है आपको, विद इन टू ईयर, देन दो साल, रिलेवेंट डेट से दो साल के अंदर यू हैव टू क्लेम द रिफंड। अच्छा, रिफंड क्लेम करते वक्त डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना है आपको, दो तरह के डॉक्यूमेंट होंगे हमेशा, फर्स्ट रिफंड का एप्लीकेशन प्लस अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होंगे बेटा, कि आपको आपके केस में रिफंड एलिजिबल है, और सेकंड उसका बर्डन आपने ही बोन किया, क्योंकि रिफंड के अंदर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, वहां आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ टैक्स आपने बोन किया था, आपने ही पे किया था। तो जिसने प्रूव किया कि बर्डन उसने बोन, जिस पर्सन ने बोन किया उसी को रिफंड मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर आपने कंज्यूमर को बर्डन बोन कर दिया तो कंज्यूमर को रिफंड मिलेगा। और हाँ, अगर आपने ये तो प्रूव कर दिया कि रिफंड बनता है, पर आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि बर्डन आपने ही बोन किया, आपने अगर बर्डन शिफ्ट कर दिया आगे, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ओके सर, रिफंड के लिए अगर आपने अप्लाई किया और मान लो आप एलिजिबल रिफंड के लिए, और सर आप ही एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए, तो ऐसे केस में अगर अमाउंट ऑफ रिफंड इज एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख, तो आपको एक सीए का या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यस, इसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया, यही एलिजिबल है रिफंड के लिए। और अगर 2 लाख से 2 लाख या उससे कम अमाउंट है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा कि खुद ने बर्डन बोन किया, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, पर ध्यान ना, 2 लाख से अबव अमाउंट है तो सीए का सर्टिफिकेट चाहिए कि सर इसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे भले अमाउंट ऑफ रिफंड मोर देन 2 लाख, वापस सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पहले तो जीरो रेटर सप्लाई के केस में अगर आपने रिफंड क्लेम किया है, अगर आपने जीरो रेटर सप्लाई में आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड क्लेम किया, या इनपुट स्पेसिफिक टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड, अगर आपने कभी एडवांस पे आपने रिसीट वाउचर इशू किया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से आपने रिफंड वाउचर इशू किया, उसकी वजह से रिफंड बन रहा है, कोई सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देन अगर गलती से इंट्रास्टेट समझ के सी और एस पे कर दिया, जो कि क्या पे करना था आईजीएसटी, वापस सी और एस का रिफंड मिलता है और आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, कोई सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देन गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी को नोटिफाई कर सकती है, वो नोटिफाई करके बोल सकती है कि इन इन कैटेगरी के केस में सीए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और एट प्रेजेंट ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नोटिफाई नहीं किया। ओके, अब सर जब भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो होगा वो एप्लीकेशन को इवेलुएट करेगा, चेक करेगा कि रिफंड बनता है कि नहीं बनता है, और विद इन नेक्स्ट 60 दिन में आपको रिफंड ग्रांट कर देंगे। पर एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बोलता है क्या कि सर 60 दिन में रिफंड मिल जाना चाहिए, रिफंड असेसी को मिल जाएगा, ये कब माना जाएगा, जब उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए डिपार्टमेंट ने अभी एक सर्कुलर इंटरनल इश्यू करके बोला क्या, जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, पर हाँ ठीक है सर्कुलर कोई खास बात नहीं है, और बोला कि डिपार्टमेंट ऑफिसर अपना वर्किंग इस तरह से करेगी, विद इन 45 डेज वो रिफंड ऑर्डर भी पास कर दे, और रिफंड सेंक्शन ऑर्डर भी पास कर दे, रिफंड ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर भी पास कर दे, सो दैट 60 डेज के अंदर उसके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाए और हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है अगर एसएससी को रिफंड देने में लेट हो गया बियॉन्ड 60 डेज, 60, तो ऐसे केस में 61st डे से डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। और हाँ, अगर कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, या कोई अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया और उसकी वजह से रिफंड बन रहा है आपको, और वहाँ पे आपने उस ऑर्डर के बाद रिफंड के लिए अप्लाई किया और उसके भी 60 डेज में अगर उन्होंने रिफंड नहीं दिया, तो 61st डे से दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। ऐसे केस में 9% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके बच्चों, ध्यान रखना सर,
अब बोला है क्या, सिंस रिफंड जो सेंक्शन होता है सीजीएसटी डिपार्टमेंट अलग है और एसजीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, पर अभी बोल दिया क्या सीजीएसटी डिपार्टमेंट में अगर आपकी फाइल है तो सीजीएसटी ऑफिसर ही सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों का रिफंड दे देगा, और सेम पावर दे दिया किसको, एसजीएसटी वाले ऑफिसर को, कि अगर फाइल तुम्हारे पास है तो तुम सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रिफंड आप दे देना, फिर गवर्नमेंट आपस में एडजस्टमेंट कर लेगी ताकि एसएससी का रिफंड क्लेम लेट नहीं हो। ओके बच्चों, एक और बात जो खास बात इस बार एड हुआ है सर, नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, नवंबर 20 उसके बाद वाले एग्जाम्स के लिए, मई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जुलाई 20 के लिए। मेरा पॉइंट आपसे ये, नया पॉइंट क्या ऐड हुआ बड़ा, जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है जिनका जुलाई 20 वो मत सुनना बड़ा बात को, जब भी रिफंड डिपार्टमेंट देगा तो सर जिस रेशियो में आपने गवर्नमेंट को जब टैक्स पे किया था तो जिस रेशियो में आपने क्रेडिट लेजर को यूज किया और कैश लेजर को यूज किया उसी रेशियो में आपको रिफंड मिलेगा, मतलब जितना आपने क्रेडिट यूटिलाइज किया था टैक्स पे करते वक्त उतना आपको रिफंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलेगा, अमाउंट रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, और जितना आपने कैश के थ्रू पे किया था उतना आपके बैंक अकाउंट में कैश में पेमेंट आएगा। अच्छा, जब भी कैश पेमेंट आएगा तब ध्यान रखना, अगर आपका कोई डिमांड पेंडिंग था, कोई डिपार्टमेंट आपसे पैसा मांगता है तो वहां से पहले वो एडजस्ट करेगा फिर आपको रिफंड देगा। और हाँ सर, पर ये वाला प्रोविजन जो डिवाइड करना है प्रोपोर्शनेट, ये वाला प्रोविजन दो केस में अप्लाई होता है, एक तो डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में और एक जीरो रेट सप्लाई के केस में अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पर तो देखो इनपुट टैक्स का भी रिफंड मिलता है, कैश में रिफंड मिलता है, इसलिए इन दोनों केस में पूरा कैश में रिफंड मिलेगा, इस पे प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपने एक्सपोर्ट, आप अगर एक्सपोर्टर हो तो डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, रूल बनाया हुआ है, रूल 91, उसमें बोला हुआ है क्या कि प्रोविजन बेस पे एक बार 90% रिफंड इनको दे देना, सो देट एक्सपोर्टर लेट नहीं हो रिफंड लेने में बेटा, क्लियर। और हाँ, अगर इन्होंने कोई प्रोविजनल बेस पे ITC लिया हुआ है तो ऐसे केस में उस अमाउंट को छोड़ देना, बाकी अमाउंट का 90% एक बार इमीडिएट रिफंड दे देना और बाद में अमाउंट आप फाइनलाइज कर देना विद इन 60 days, सो देट उसको 60 दिन में बाकी का पूरा अमाउंट भी मिल जाए बच्चों, क्लियर डन। अच्छा सुनना बच्चों ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बोलता है क्या, रिफंड विल बी अलाउड ओनली टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स, और ऐसे केस में रिफंड मिलेगा पर सर किसको मिलेगा, जिसने बर्डन बोर्न किया है। और हाँ सर, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि CA सर्टिफिकेट चाहिएगा 2 लाख से अबव अमाउंट है, तो नहीं तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेटा, क्लियर समझे। और सर जहाँ पे CA के सर्टिफिकेट जरूरत नहीं होती वो सब क्या है, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, याद है बेटा, जीरो रेट सप्लाई के केस में इनवर्ट सप्लाई पे जो इनपुट सर्विस पे टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो, या जीरो रेट सप्लाई पे आपने IGST पे किया उसका रिफंड क्लेम कर रहे हो। सर सेक्शन नंबर 77 मतलब गलती से CORS पे करते जबकि IGST पे करना था वहां आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, या रिफंड वाउचर के थ्रू अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, क्लियर, या जहाँ पे गवर्नमेंट प्रूव कर दे, जहाँ पे एसएससी ने प्रूव कर दिया या किसी भी पर्सन ने प्रूव कर दिया कि वो क्या है, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है, या गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को नोटिफाई कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि इन लोगों को हमेशा एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट माना जाएगा। ये 6 केसेस है जहाँ पे एसएससी को रिफंड हमेशा मिल जाएगा, और सर ऐसे केस में दी जाती पर्सन हु आर एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट बेटा, और यहाँ पे 2 लाख से अबव अमाउंट है तो भी CA का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देन ना, दो बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर दी केसेस जहाँ पे रिफंड अलाउ होता है, ये वाला केस सारे लिखने आपको, दीज आर दी एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ओके, NRTP और कैजुअल टैक्स पर्सन को बोल दिया कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे बेटा, और सर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तब सारे जब आप जा रहे होंगे तब आप अपना सारा रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, टैक्स लायबिलिटी जो बनता है वो पे करेंगे, और अगर उसके बाद आपका कोई एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है तो एक्सेस अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा बच्चों। ओके सर, गवर्नमेंट को ऑफिसर को पावर दिया, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी एसएससी का कोई डिमांड ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है या कोई केस वगैरह पेंडिंग चल रहा है तो ऐसे केस में उसका रिफंड का अमाउंट वो विदहोल्ड कर सकता है, सो देट वो रिकवरी उस रिफंड के अमाउंट से कर ले बेटा। देन आता है क्या, अगर 1000 रुपये से कम का अमाउंट है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं देगा, 1000 या उससे ज्यादा हुआ तो ही रिफंड देगा बेटा। ओके, अब आता है पॉइंट, बहुत खास पॉइंट रहा, दिल थाम के बैठेगा बेटा। सर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दो ही केसेस है जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिलता है। फर्स्ट, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ किया है अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहां पे उसमें काम आने वाले इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। सेकंड, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहां पे आपके आउटवर्ड सप्लाई पर रेट ऑफ टैक्स कम है एज कंपेयर टू रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, तो ऐसे केस में दैट इज मतलब इनपुट पर रेट हायर है और आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट कम है, तो ऐसे केस में दैट इज द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वहां पे अगर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ ITC ऑफ इनपुट है तो ऐसे केस में उस इनपुट के एक्सेस बैलेंस का आपको रिफंड मिलता है। पर सर वहां पे कुछ कंडीशन हम पढ़ रहे बेटा, सबसे पहली बात, अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस पर रेट ऑफ टैक्स 0 है, निल है, या वो एक्सेम्प्ट है, तो ऐसे केस में ITC अवेल ही नहीं होता है तो रिफंड की बात तो आती ही नहीं बेटा। सेकंड, अगर आपके एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवेबल है तो ऐसे केस में
इनपुट पे जो टैक्स पे किया है उसका ITC जरूर मिल जाएगा, पर आपको रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा। एंड अगर आपने CGST वाले पोर्शन का एक्सपोर्ट के केस में ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है तो यहाँ पर रिफंड की बात नहीं आएगी। ठीक है साहब, अब आ रहा है टॉपिक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। बेटा दिल थाम के सुनेगा, रोल नंबर 89 सब रोल नंबर 5 ने डिफाइन किया बहुत अच्छे से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे आउटपुट गुड्स ये हो या आउटपुट सर्विस हो। देखो आउटपुट कैन बी गुड्स और सर्विस, पर इनपुट केवल गुड्स होता है बेटा। इनपुट वो भी कैपिटल गुड्स नहीं, वो भी इनपुट सर्विस नहीं, केवल इनपुट। अगर इनपुट पर रेट ऑफ टैक्स हायर है एज कम्पेयर टू योर आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस, तो ऐसे केस में दैट इज द केस विच इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ऐसे केस में अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस ऑफ ITC बचता है इनपुट्स का आफ्टर पेइंग योर लाइबिलिटी ऑन आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, तो ऐसे केस में उस इनपुट के एक्सेस बैलेंस का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और उसके लिए फॉर्मूला दिया है यहाँ पे क्या सर, देन देना बेटा। अब मान लो आप मोर देन वन सप्लाई करते हो, मोर देन वन गुड्स है, मोर देन वन सर्विस है, उसमें से कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले और कुछ नॉर्मल है बेटा। सर अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दो गुड्स लेते हैं बेटा, एक है ए और एक है बी। वेरी गुड बेटा, तो सर ए पे रेट ऑफ टैक्स है 5%, बी पे रेट ऑफ टैक्स है 18%, दोनों आप सप्लाई करते हो और जितने भी इनपुट आप परचेस करते हो सब पे रेट कितना मान लो 18%। क्लियर? तो सर ए जो है उस पे रेट है 5% बेटा, आउटपुट रेट 5% है, इनपुट रेट 18%, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो गया। पर केस नंबर टू आउटपुट भी 18 है और इनपुट 18 से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस नहीं है। तो ऐसे केस में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, जो केस नंबर ए है, वो ही रिफंड के लिए एलिजिबल है। इसलिए टर्नओवर ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कवर होता है डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्नओवर बेटा, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ITC, और नेट ITC केवल इनपुट का होगा। बच्चों सर्कुलर भी आया, ध्यान रखना, इसमें इनपुट सर्विस नहीं लेंगे, इसमें कैपिटल गुड्स नहीं लेंगे। जो भी गुड्स कैपिटलाइज होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, और उसके अलावा सारी गुड्स को बोलते हैं क्या, इनपुट्स। केवल इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ, इनपुट का ITC। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास बहुत सारे इनपुट है, कुछ पे रेट 5% पे, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है। अगर एक भी इनपुट पे रेट ऑफ टैक्स इज हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस, तो ऐसे केस में योर केस इज फिट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सेकंड थिंग, जब इनपुट पे टैक्स का आप कैलकुलेशन करते हो, तो सर मान लो प्रोडक्ट ए का रेट ऑफ टैक्स है 12%, आउटपुट पे गुड्स का रेट है कितना 12%, और आपका जो आउटपुट कैन बी गुड्स और आउटपुट कैन बी सर्विसेज, पर इसमें काम होने वाले इनपुट्स पर कुछ पे रेट है 5%, कुछ पे 12, कुछ पे 18, अगर एक भी इनपुट 12% से एक्सेस वाला है, तो योर एंटायर केस इज एलिजिबल फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और ऐसे केस में और सर जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5% वाला, 12% वाला, 18% सारे इनपुट लेंगे बेटा, ऐसा नहीं जो एक्सेस रेट वाला उसी को कैलकुलेट करेंगे, नहीं, सारे इनपुट में जो टैक्स बनता है वो सब कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड का फॉर्मूला क्या है, जो टर्नओवर है उन गुड्स या सर्विस का जिनका रेट ऑफ टैक्स कम है, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए फिट बिट थे, डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ITC। नेट ITC लेंगे सारे इनपुट्स का, इनपुट्स का ओनली, कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस नहीं, सारे इनपुट्स का, भले उस पर रेट कम हो जाता हो बेटा, अगर एक भी इनपुट का रेट हायर हो सारे इनपुट लेंगे बेटा, ऑल द इनपुट का जो भी ITC आपने अवेल किया वो। क्लियर? और सर मान लो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर था प्रोडक्ट ए का, 1 करोड़ का टर्नओवर था प्रोडक्ट बी का, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय नेट ITC ऑफ इनपुट, सारे इनपुट का कैलकुलेशन लेंगे हम, इससे क्या होगा, प्रोपोर्शनेट ITC आ जाएगा। किसके लिए? प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट ए का ITC मान लो एलोकेट हुआ 15 लाख रुपये बेटा, और सर प्रोडक्ट ए का खुद का रेट है 12%, मान लो 5% बेटा। अब 1 करोड़ का 12% था 12 लाख रुपये, अब 15 लाख का ITC एलोकेट हुआ किसके लिए, प्रोडक्ट ए के लिए। सर 15 लाख में से 12 लाख, 12 लाख तो खुद की लायबिलिटी है, उसको हम यूज़ करेंगे, और रिमेनिंग 3 लाख आपका जो बचेगा अमाउंट, दैट विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। क्लियर? डन। और सर ये जो हमने 15 लाख का ITC लिया है, ध्यान रखना सारे इनपुट है बेटा इसके अंदर, पर कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस नहीं है। ओके सरकार, ये था क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा सुनना ध्यान से सर, अगर आपने इनपुट्स, ध्यान देना बेटा, इनपुट्स पे अगर रेट हायर है, इनपुट्स बेटा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3-4 बार ये बात कोई मैं इसलिए बोल दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ओके आइए सरकार, अगला पॉइंट सर ध्यान देना बेटा। अच्छा एक और बात, अगर आपने सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B ऑफ रूल नंबर 89 में ऑलरेडी रिफंड कर लिया है, रिफंड ले लिया है, तो उसका रिफंड का अमाउंट उस नेट ITC से कम कर देंगे, और उसका जो टर्नओवर था जो उस रूल के अंदर एलिजिबल होता है रिफंड के लिए, उस टर्नओवर को भी टोटल टर्नओवर जो होता है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे बेटा। क्लियर? अच्छा एग्जम्प्ट सप्लाई है, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो उसको हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में काउंट नहीं करते, क्योंकि उसमें काम आने वाले इनपुट्स का तो ITC अवेल ही नहीं होता बेटा। पर अगर जीरो रेट सप्लाई किया आपने, तो जीरो रेट सप्लाई तो आपका एग्जम्प्ट या टैक्सेबल हो, दोनों ITC मिलता है, इसलिए जीरो रेट सप्लाई के इसमें एग्जम्प्ट या टैक्सेबल हो, हम टोटल टर्नओवर में काउंट करते हैं उसको बेटा। क्लियर? डन माहौल। सरकार आइए अगला पॉइंट सर, रिफंड टू UN बॉडीज। सर आपको पता है UN होल्डर इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे करेंगे उसका इनको क्या मिलता है, रिफंड GSTR सर 11 सबमिट करेंगे। और हाँ, इनको बोल दिया कि पहले था क्वार्टरली सबमिट करना पड़ेगा,
क्वार्टरली अभी भी क्वार्टरली सबमिट करना पड़ेगा, पर इनके पहले 6 महीने का टाइम था, पर इसको बढ़ा के 18 महीने कर दिया। क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 महीने के अंदर कभी भी रिफंड के क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे सर्कुलर देके बोला है कि अगर यूएन होल्डर का कोई नॉर्मल अदर सप्लाई है तो नॉर्मल अदर सप्लाई के लिए इनको नॉर्मल जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और उसके थ्रू जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करने पड़ेंगे। ये यूएन नंबर जो वो इनवर्स सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम करने के लिए बेटा, क्लियर डन। अच्छा, यहाँ पे सर्कुलर ने भी बोला कि इनको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सॉरी इनको जो इनपुट पे टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है और साथ में जीएसटी कंपोजिशन सेस अगर इन्होंने पे किया तो उसका भी रिफंड मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सेस आपके कोर्स में नहीं आता, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया ये बात। ओके सर, रूल नंबर 97A ऐड हुआ, उसमें बोला क्या मैनुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैनुअल फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम आपके लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन फाइल नहीं हो पा रहा, आप मैनुअली फाइल करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में बात ऑलरेडी कर चुका हूं आपसे। सर, इंटरेस्ट की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। देने क्या, फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया से बाहर जाएगा, क्लियर, उसने इंडिया से कुछ गुड्स परचेज किया तो उसको उसको इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, IGST पे किया, और वो गुड्स अगर इंडिया से बाहर लेके जा रहा है तो उसको कस्टम बोर्ड पे क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। प्लस एक और नया जो रूल ऐड हुआ था, रूल नंबर 95A, कि रिटेल आउटलेट्स विच आर एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर, उनको सर बोला है कि अगर आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बेटा डिपार्चर एरिया में हो और वो भी बियॉन्ड द इमिग्रेशन काउंटर हो, तो जब फॉरेन टूरिस्ट वहाँ से जब बाहर जाएगा और आपके उस रिटेल आउटलेट से वो कुछ गुड्स खरीदता है तो यू कैन सप्लाई हिम द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ GST। पर सर, उसको सेल विदाउट पेमेंट ऑफ GST फिर भी इनवर्ड सप्लाई पे जो आपने टैक्स पे किया होगा उसका आपको ITC मिलता है, और इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर दिस रूल, रूल 95A, क्लियर। और ऐसे कैसे बोल दिया क्या, जब रिफंड क्लेम करोगे उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात परचेज इनवॉइस पे जो रिटेल आउटलेट है उसका GST नंबर लिखा होना चाहिए और सर वो गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए जो गुड्स उसने फॉरेन टूरिस्ट को बेचा बेटा, क्लियर। सेकंड, उस परचेज बिल पे उसका GST पे किया होना चाहिए बेटा, क्लियर। अरे GST पे करेगा परचेज में तो ही तो टैक्स का रिफंड मिलेगा बेटा, अदरवाइज किस बात का रिफंड बेटा, क्लियर। एंड आपने जो इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट गुड्स बेचा है वो अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी बेचा है तो ही उस रिटेल आउटलेट को रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ भारत माता की जय। डिम्ड एक्सपोर्ट में 4 के साथ है बेटा। एक तो अगर मैंने ऐसे किसी पर्सन को कोई गुड सप्लाई किया है जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, सेकंड मैंने ऐसे किसी पर्सन को कोई गुड सप्लाई किया जिसने EPCC स्कीम ले रखी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, थर्ड सर मैंने 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, क्लियर, इनको मैंने कोई गुड सप्लाई किया है तो ऐसे केस में वो क्या होगा, अगेन डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होगा। एंड फोर्थ, अगर मैंने सर गोल्ड, अगर बैंक ने गोल्ड सप्लाई किया है, किसने, सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कस्टम्स के नोटिफिकेशन थ्रू अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, तो अगेन वो डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर होता है। ये 4 केस डीम्ड एक्सपोर्ट के स्कोप में आते हैं। अगर आपने ऐसा कोई सप्लाई किया है इन 4 में से कोई भी, तो सर ध्यान देना ऐसे केस में नोटिफिकेशन 48 ऑफ 2017 कहता है क्या, ये 4 केस डीम्ड एक्सपोर्ट है और जो भी केस डीम्ड एक्सपोर्ट होता है सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग, उसमें एक बार तो टैक्स पे करना पड़ता सप्लाई पर, अब या तो सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन क्या कर सकता है, उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। पर जब सप्लायर रिफंड क्लेम करेगा तो पहले डिक्लेरेशन लेगा रेसिपिएंट से कि उसने उस परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका कोई ITC नहीं लिया है, क्लियर। एंड सेकंड थिंग, वो भी उसका रिफंड क्लेम नहीं करेगा, भाई दोनों में से एक पर्सन रिफंड क्लेम करेगा, दोनों तो करेंगे नहीं। और अगर रेसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो वो सप्लायर से डिक्लेरेशन लेगा कि उसने इस अमाउंट का रिफंड क्लेम ना तो किया है ना करने वाला बेटा, क्लियर। डीम्ड एक्सपोर्ट के 4 केस हो गए बेटा। आइए जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सर जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स और सर्विस हो कौन से के साथ है, इसमें मैंने बता दिया आपको। अब इसमें 2 ऑप्शन थे, आपने या तो IGST पे करके आपने सेल पे IGST पे किया और IGST जो पे किया उसका आपने रिफंड क्लेम कर लिया, क्लियर, रूल 96 के अकॉर्डिंग। और सेकंड आता है क्या, जीरो रेटेड सप्लाई अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LOD, अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने से पहले ही बॉन्ड या LOD साइन कर दिया तो ऐसे केस में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट उस पर टैक्स जो आपने पे नहीं किया है भले आपके आउटपुट गुड्स से सर्विस एग्जम्प्ट है, फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आपको ITC मिलता है और ITC काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ITC यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो आप इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड क्लेम कर सकते हो, किसका, इनपुट और इनपुट सर्विस पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ध्यान रखना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में केवल इनपुट का मिलता है और जीरो रेट सप्लाई के केस में इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का मिलता है बच्चों। ओके सरकार, ध्यान देना अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, अगर आपने आउटपुट जो आपने जरूरी सप्लाई किया है उस पर बॉन्ड या LOD साइन किया तो ऐसे केस में आपने इनपुट इनपुट सर्विस पे रिफंड क्लेम करना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ITC ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस अवेल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड बेटा। अच्छा, जो आपने ITC अवेल किया ड्यूरिंग द पीरियड वो भी काउंट करेंगे दोनों केस में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी और यहाँ पे भी। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC कुछ है तो उसको इग्नोर करने का बेटा, क्लियर। जो ITC आपने अवेल किया ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड का रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में जो आपने ITC अवेल किया है उसी की रिफंड की बात कर रहे हैं बच्चों। ओके सर,
जीरो सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई 20 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा मैं बोल दूंगा दोनों के लिए पॉइंट, बेटा पॉइंट, तो आप में से जुलाई 20 एग्जाम से उसके भी रिलेवेंट हो जाएगा, नवंबर 20 अगर एग्जाम होंगे तो उनके भी रिलेवेंट हो जाएगा। अभी तो जुलाई 20 जो आपके जुलाई 20 वाले स्टूडेंट्स जो लेक्चर देख रहे हैं ये उनको तो अभी ये पता नहीं कि उनको जुलाई में एग्जाम देना है कि नवंबर में एग्जाम देना है। पर हाँ एनीवेज इसलिए मैं साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सर मेरी ये चेयर भी थोड़ी मिस्टेक करी है, सुनना बच्चों ध्यान से, इन केस अरे से टू भैया देखो फ्रेम से आ रही कि नहीं आ रही है, इन केस सर अगर सुनना बच्चों जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन जो जुलाई 20 के लिए वो क्या है बेटा कि आपने जो भी गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वो सब आएगा, क्लियर। पर इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे वो टर्नओवर जो रोल नंबर 89 सब रोल नंबर 4A और 4B में आप रिफंड क्लेम कर चुके हो, वो टर्नओवर को एक्सक्लूड करने का बेटा। ओके सेकंड अब देखना जिनके नवंबर 20 एग्जाम है उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट ऐड हो गया बेटा, अच्छा पॉइंट है ध्यान रखना, एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट हो सकता है नवंबर 20 के लिए। यहां एक छोटा सा अमेंडमेंट ये कर दिया कि जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर क्या होगा सर, जो आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी वो अमाउंट, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिमिलरली प्लेस्ड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय द इधर सेम सप्लायर और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर बेटा, हाँ है ना, मतलब मैं या मेरा कॉम्पिटिटर सेम गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में कितना बेचता है उसका 1.5 टाइम्स, हाँ है ना वो, या मेरा एक्चुअल जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर था जीरो रेट सप्लाई का जो टर्नओवर था वो विच एवर इज लोअर, मतलब सर जीरो रेट सप्लाई का टर्नओवर और डोमेस्टिक मार्केट में जो सेल किया है टर्नओवर उसका 1.5 टाइम्स, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम सेम गुड्स बेचते तो कितने में बेचते हम या हमारा कॉम्पिटिटर बेटा, क्लियर, उसका 1.5 टाइम्स या जीरो रेट सप्लाई जो क्या वो विच एवर इज लोअर उसमें से लेस कर देना क्या, अगर आपने किसी टर्नओवर पे आपने ऑलरेडी रिफंड क्लेम कर लिया अंडर रोल नंबर 89 सब रोल नंबर 4A और 4B तो लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो क्या होगा टर्नओवर ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा बेटा, क्लियर। अच्छा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है सर, ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड कितना पेमेंट रिसीव हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टेड माइनस वो पेमेंट जिसका सर्विसेज अब तक कंप्लीट नहीं हुआ प्लस वो पेमेंट जिसका पेमेंट पहले आ चुका है पर सर्विसेज इस पर्टिकुलर रिलेवेंट पीरियड में कंप्लीट हुई है। तो इसका मतलब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या था बेटा कि वो सब टर्नओवर जिसका पेमेंट भी आ गया प्लस सर्विसेज भी कंप्लीट हो गई है वो टर्नओवर आएगा रिलेवेंट पीरियड में बेटा, क्लियर डन। सर ये हो गया क्या एक्सपोर्ट जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर बेटा, टोटल टर्नओवर आ जाएगा इसके अंदर, इसमें एग्जम्प्ट टर्नओवर काउंट नहीं करना बेटा, एंड जिन टर्नओवर पे रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A या 4B में आपने रिफंड क्लेम कर लिया उसको एक्सक्लूड करने का बेटा, क्लियर। सर ये हो गया नेट ITC का डेफिनेशन क्या है, इनपुट और इनपुट सर्विस जो आपने ITC क्लेम किया है वो नेट ITC का डेफिनेशन बेटा, क्लियर, इनपुट और इनपुट ITC का अवेल्ड ITC अवेल्ड माइनस रूल नंबर 4A सब रूल नंबर 4A या 4B में रिफंड क्लेम किया उसको हटा देना बेटा। ओके ये हो गया क्या जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ के केस में रिफंड क्लेम करने का बेटा। ओके अब सर ध्यान देना बेटा, आप जो रिफंड क्लेम कर रहे हो सर ध्यान देना बच्चों, सर प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो फिल करेंगे आप, टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद आप रिफंड क्लेम कर सकते हो बच्चों, दो साल के अंदर कभी भी रिफंड क्लेम करो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर अब रूल नंबर 96 बोलता है क्या, आपने अगर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे बॉन्ड या LOT साइन नहीं किया तो सिंस वो इंटरस्टेट सप्लाई होता है इसलिए उस पर ITC पे करना पड़ेगा और ITC का आपको रिफंड मिलेगा और ITC का रिफंड मिलेगा तो सेल पे जो टैक्स पे किया उसका पूरा रिफंड मिल जाएगा बेटा, क्लियर, पूरे सेल प्राइस का आपको रिफंड मिल जाएगा। पर ध्यान देना उसके कुछ एक्सेप्शन है और उन एक्सेप्शन केस में बोल दिया क्या आपको यहाँ पे कोई रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा, वो चार केस कौन कौन से बेटा, अगर आपने परचेज पे डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले रखा था बेटा तो ऐसे केस में सेल पे ITC पे करके उसका रिफंड अलाउ नहीं होता है। सेकंड केस अगर आपने जो इनवर्ट सप्लाई पे परचेज इनवर्ट सप्लाई जो लिया आपने वो कंसेशन रेट ऑफ टैक्स याद है 0.1% वाला परचेज किया आपने तो ऐसे केस में सेल पे ITC पे करके रिफंड अलाउ नहीं होता है। और थर्ड केस अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया था अंडर एडवांस ऑथराइजेशन विदाउट पेमेंट ऑफ ITC या GST कंपोजिशन सेस तो ऐसे केस में सर ये जो EOU वगैरह अलाउ होता है बेटा ऐसे केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, हाँ है ना, किसका जो आपने सेल पे ITC पे किया उसका रिफंड नहीं मिलता बेटा, क्लियर पक्का डन। हाँ पर अगर आपने आप जैसे EOU 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो और आपने क्या किया बेटा जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया उस पर केवल एडवांस ऑथोराइजेशन ले रखा है पर आपने उसमें केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लिया, आपने GST और GST सेस पे किया था इनवर्ट सप्लाई पे तो आप सेल पे ITC पे करो उसका रिफंड लो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। प्लस देना LUT या बॉन्ड के लिए रूल नंबर 96A बोलता है क्या सारे SSC को बॉन्ड या LUT हमने अलाउ कर दिया है पर हाँ जिनका भी प्रीवियस फाइनेंशियल में सर या जिनका भी करंट फाइनेंशियल में
डिस्प्यूट चल रहा है, फ्रॉड का केस चल रहा है 2.5 करोड़ से एक्सेडिंग टैक्स का अमाउंट का बेटा, तो ऐसे केस में उनको बोन एलयूटी अलाउड नहीं है, बाकी सबको अलाउ कर दिया है बेटा। क्लियर, डन। सर लास्ट रूल जो एकोरेट हुआ, रूल नंबर 96B, ये नवंबर 20 है उसके बाद वाले प्रोविजन के लिए, बाद वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। रिकवरी, अगर आपने जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर हमने एक्सपोर्ट करते आपको रिफंड दे दिया बेटा, पर बाद में विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ उतना प्रोपोर्शनेट हम आपका रिफंड के अमाउंट को वापस रिकवरी करेंगे। अब भले वो आपने रिफंड इनवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स पे किया था उसका रिफंड लिया हो, या आपने पूरी सेल पे जो टैक्स पे किया आईजीएसटी उसका रिफंड लिया हो, हमने जितना रिफंड दिया उसको प्रोपोर्शनेट उस अमाउंट से हम डिवाइड करेंगे जितना आपकी रिकवरी बेटा। क्लियर। और सर जितना अमाउंट बैड डेट हो गया एक तरह से रिकवर नहीं हुआ विद इन द टाइम लिमिट अलॉट बाय आरबीआई, उतना अमाउंट हम आपसे क्या कर देंगे, रिकवरी कर लेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और हाँ, बाद में फ्यूचर में अगर आपका अमाउंट वापस से रिकवर हो जाता है, तो जिस दिन अमाउंट आपका रिकवर हो जाएगा उसके 3 महीने के अंदर आप डिपार्टमेंट को अलाउ अप्लाई कर देना कि हमको रिफंड दीजिए, तो जितना प्रोपोर्शन आपको रिकवरी हो जाएगा उतने प्रोपोर्शन हम आपको वापस से रिफंड अलाउ कर देंगे। क्लियर। और हाँ, एक और बात, ये रिकवरी की बात नहीं है कि अगर आरबीआई ने कंडीशन ऑफ रिसीविंग बैक द फॉरेन एक्सचेंज को वेव कर दिया कि जान दे पैसा नहीं आया डूब गया कोई बात नहीं जान दे, तो ऐसे केस में अगर आरबीआई ने कंडीशन वेव ऑफ कर दी तो ऐसे केस में कोई रिकवरी नहीं करी जाएगी। क्लियर, भारत माता की जय। और सर एक बात और, अगर कस्टम के अंदर अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर लिया है तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा सीजीएसटी का बेटा। एंड लास्ट बात, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करी तो उस पर आईजीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया बेटा वैसे भी, और अगर डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया तो उसको 0% सप्लाई बोलता बेटा, तो वैसे भी एसईजेड जो भी परचेज करेगा उस पर टैक्स पे करने की जरूरत एसईजेड को नहीं है बेटा। हाँ है ना, और ऐसे केस में रिफंड मिल जाता है, तो एसईजेड को परचेज करना विदाउट पेमेंट टैक्स अलाउ कर रखा है बेटा। क्लियर, ये पूरा रिफंड का चैप्टर भी एक एक पॉइंट डिटेल्ड में। सर जैसे आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था, सर थोड़ा सा रिफंड वाला चैप्टर को डिटेल्ड करिएगा, तो मैंने उस हिसाब से आपको एक एक पॉइंट कवर किया। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।